नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट कुर्जी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर हम लोग बैंक की यहाँ पे आज की प्राइस देखें तो 3% गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ है 45.75 रुपीज पे। दोस्तों, आज इस स्टॉक की गिरावट के पीछे का टेक्निकल लेवल पे एक भी एक कारण है कि ये स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच चुका था, तो थोड़ी मुनाफा वसूली होना जो है यहाँ पे स्वाभाविक था। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इस कंपनी के जो है टेक्निकल रिलेटेड बात करेंगे, तो फंडामेंटल से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीटली टेक्निकल रिलेटेड बात करेंगे। तो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टॉक को देखेंगे, एज वेल एज अगर आपका लंबे टाइम का लक्ष्य होगा तो उसके भी परस्पेक्टिव हम लोग स्टॉक को जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग इस लेवल को देखें जो निकल के आ रहा है 2017-2018 का लेवल, तो यहाँ पे स्टॉक जो है अराउंड 200 रुपए के आसपास चलता था। वहां से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली स्टॉक में जो है गिरावट होती जा रही है, और करंटली स्टॉक जो है यहाँ पे जब मार्केट गिरा था तो स्टॉक ने 36 रुपए का लो लगाया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टॉक अभी करंटली चल रहा है 45 के प्राइस पे। स्टॉक का यहाँ पे प्री कोविड लेवल देखिए जो निकल के आ रहा है अराउंड 90 रुपीज का लेवल, तो वहां से स्टॉक जो है अच्छा खासा गिरा था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन होने की कोशिश की थी। इस लेवल को देखें तो जो इसका 45 का लेवल पहले निकल के आता था एक सपोर्ट के तौर पे, तो इसके बाद फिर से स्टॉक में इस लेवल पे गिरावट हुई थी सितंबर में, जिस हिसाब से मार्केट गिरा था, और उसके बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पे फिर से एक लो लगाया था 40 रुपीज का, और वहां पे स्टॉक अक्टूबर मंथ के पूरे महीने में कंसोलिडेट हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थोड़ी तेजी होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें स्टॉक का, तो यहाँ पे फिर से स्टॉक अगर हम लोग इस लाइन को देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे जो है इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश जब कर रहा है, जो 45-46 का लेवल निकल के आता है, तो वहां पे स्टॉक को जो है एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने को मिलता है। अगर हम लोग स्टॉक की यहाँ पे दो लाइन खींचे, पहली एक लाइन हो जाती है रेजिस्टेंस की और दूसरी हो जाती है सपोर्ट की, तो रेजिस्टेंस के तौर पे जब भी स्टॉक इसके 45-46 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वहां से स्टॉक में जो है हम लोग थोड़ी जो है मुनाफा वसूली होते हुए देख सकते हैं। करंटली बात करें तो यहाँ पे स्टॉक इसके जो है पहले रेजिस्टेंस के ऑलरेडी ऊपर निकल चुका था। पहला रेजिस्टेंस आता है 45 रुपीज का। अगर हम लोग इसके दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें जो निकल कर रहा है 48 रुपीज का, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो दो कैंडल बन रही है तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन कर रही है ये स्टॉक इसके 45 रुपीज का जो रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस हम लोग इसको कह सकते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए अभी आने वाले दिनों में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे स्टॉक में 45.70 रुपीज का लास्ट क्लोजिंग रहा है, तो इसके नीचे अगर 45 के नीचे ये स्टॉक क्लोज हो जाता है और दो तीन दिन इसी लेवल पे रहता है, तो पॉसिबली हम लोग स्टॉक को फिर से 42-43 के रेंज में जाते हुए देख सकते हैं, और फिर से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेते हुए पॉसिबली देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। तो दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड होगी तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आप कुछ हद तक आपका जो है मुनाफा जो है बांधने के लिए सोच सकते हो, आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हो रही है, अगर ये स्टॉक फिर से इसी चैनल में आ जाता है जो इसका यहाँ पे एक दो महीने का चैनल बन के आ रहा है, तो इस चैनल के आसपास फिर से अगर ये स्टॉक इसके अंदर एंटर करता है तो मे बी फिर से यहाँ पे स्टॉक इसी लेवल के आसपास जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो इसका निकल कर रहा है 42-43 का जोन। अगर आप इस स्टॉक में लंबे टाइम के लिए बने रहने के लिए सोच रहे हो, या फिर अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में कंसिस्टेंटली गिरावट हो रही है, अगर हम लोग देखें 2-3 साल पहले का यहाँ पे 200 का आया था, 1 साल पहले का 100 का आया था, तो यहाँ पे देखे तो स्टॉक बहुत ही वीक चल रहा है, बहुत ही यहाँ पे जो है कंपनी पे देखे तो लंबे टाइम के लिए हम लोग जो है गवर्नमेंट कंपनी से अच्छा मैं पर्सनली जो है प्राइवेट बैंकिंग है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो है आप चूज कर सकते हो। इस चैनल के माध्यम से हमने ऑलरेडी बहुत सारी बैंक्स भी कवर की है, तो आप उन जो है वीडियो की मदद से आप थोड़ा और जान सकते हो, आपका खुद का एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद आपका डिसीजन ले सकते हो। पर्सनली मेरी राय में जो है लॉन्ग टर्म की बैंक्स होंगी तो वो होंगी, पहली तो HDFC बैंक मेरी पसंदीदा रहा है और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों, दोनों बैंक पर्सनली मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। अगर आप भी लंबे टाइम के लिए ऐसे बैंक चूज करते हो तो लंबे टाइम के लिए ये शानदार रिटर्न देने वाले बैंक है, एज वेल एज अपना जो पैसा है एक सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों भी जो है दिग्गज बैंक है, एज वेल एज प्रमोटर देखे तो एक अच्छा खासा प्रमोटर दोनों बैंक का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।